नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल। आखिर क्यों की एक कलयुगी बेटे ने जन्म देने वाले की हत्या, कैसे पुलिस ने 24 घंटों के अंदर किया अपहरणकर्ताओं का पर्दाफाश, क्यों छत से कूदे मथुरा के एसएसपी, जानेंगे सब। लेकिन रुक करते हैं बुलेटिन की पहली खबर का, जहां यूपी पुलिस की तरह उत्तराखंड पुलिस को भी अजब गजब शॉक लगा है। अब तक सोशल मीडिया पर छोटे मोटे कलाकार या युवा ही रील्स बनाकर ख्याति प्राप्त करते थे, लेकिन अब इसमें उत्तराखंड पुलिस के दारोगा साहब से लेकर कांस्टेबल और तमाम कर्मचारी भी शामिल नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं, सोशल मीडिया पर रंग बिरंगी वीडियो बनाने का ये शौक कुछ ऐसा चढ़ा है कि अब इसको पूरा करने के लिए उन्हें वर्दी और सरकारी गाड़ियों का सहारा लेना भी कोई गुरेज नहीं है। आलम यह है कि लाइक और सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए रोजाना एक से बढ़कर एक वीडियो सामने आ रही है। साल 2020 में उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के कुछ वीडियो सामने आए थे, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पुलिस को यह हिदायत दी थी कि वर्दी में कोई इस तरह का प्रदर्शन ना करे, जिसके बाद यूपी पुलिस को इस बीमारी से दूर हो गई। लेकिन हमारी उत्तराखंड पुलिस टिकटॉक बंद होने के बाद अब इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर अन्य प्लेटफॉर्म पर खूब सक्रिय है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के अधिकारी भी हैरान हैं। उनका कहना है कि उनके संज्ञान में कुछ इस तरह के मामले आए हैं जिसको वो जांच करवा रहे हैं। देखिए, मैंने उत्तर प्रदेश का तो नहीं देखा है अभी तक। हमारे यहाँ का जो सोशल मीडिया की एक हमने डायरेक्शन दिए, निर्देश दिए, वो ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी पुलिसकर्मी विभाग की या सरकार की छवि को खराब नहीं करेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो सरकार की और विभाग की पॉलिसीज के अगेंस्ट हो। तो उसी उसके अनुसार हम देखते हैं, अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। सर, बहुत सारी रील्स में ऐसा देखा गया कि पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो इस्तेमाल करी जा रही हैं और खाली कांस्टेबल नहीं, दरोगा तक के जो रैंक के हैं वो लगातार इस रील में इन सब चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं देखता हूँ। नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चंद्रेश्वर नगर से 24 पेटी शराब दो घरों से बरामद की। एक शराब तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि एक महिला शराब तस्कर मौके से फरार है, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक मंगलवार की सुबह मुखबिर ने सूचना दी कि चंद्रेश्वर नाम के दो घरों में खुलेआम शराब की दुकान की बिक्री हो रही है, और सूचना मिलते ही ISBT चौकी प्रभारी अमित कुमार पुलिस फोर्स चंद्रेश्वर नगर पहुंचे। पुलिस ने पहले शराब तस्कर गुरदयाल सिंह के घर पर छापेमारी करते हुए 5 पेटी शराब पकड़ी। मौके से गुरदयाल सिंघल को भी गिरफ्तार किया। बुलंदशहर के सियाना में स्थित निकोप गांव में पीड़ित विनोद ने सर पर डंडा मारने को लेकर छोटे भाई की पत्नी सोनम पर आरोप लगाया। पूरा विवाद आपस में जमीन के हिस्से की मांग को लेकर है। पीड़ित ने छोटे भाई की पत्नी के खिलाफ थाना कोतवाली में तहरीर दी है। पीड़ित के सर पर चोट देख पुलिस ने पीड़ित के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। विनोद कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? ओके जी, आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आए, क्या मामला, आपके चोट भी लगी है? सर, हम बकरी बेचने आया था मैं अपनी, तो बकरी के चक्कर में मेरे सर सिर में डंडा मारा। किसने मारा? छोटी बूब ने। क्या नाम था? सोनम। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, डंडा मार को भाग के सब बात। कौन लोग, कितने लोग थे? अकेले, झूठ नहीं बोलना बेकार से, अकेले थे। किस किस के चोट आई है आपको? चोट मेरे ही आई सर, बस मैं बकरी मैं ही बेच रहा था, मेरे सीधा डंडा मार के बाहर भाग गए। कहाँ बेच रहे थे बकरियाँ? बेच आ रही थी, मैं किसी को दे रहा था चुगाई पे। अच्छा अच्छा, इसलिए मैंने दी, और वो कह रहे मुझे हिस्सा चाहिए, हिस्सा चाहिए, मैं हिस्सा खाएगा तो मेरे बच्चे रहते हैं जी। बुलंदशहर के SSP श्लोक कुमार सिंह ने अपर पुलिस अधीक्षक नगर ग्रामीण अपराध सहित समस्त क्षेत्र अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ अपराध नियंत्रण कानून व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस लाइन स्थित सम्मेलन कक्ष में समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को उच्च अधिकारियों को आदेश दिया कि शत प्रतिशत अनुपालन कराने, अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और जनता की समस्याओं का शीघ्रतम विविध निस्तारण करने के लिए लगातार निगरानी रखें। बुलंदशहर के मंडोला गांव का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला पर कुछ तबंग मिलकर मारपीट और फावड़े से वार करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि खेत में सिंचाई पाइपलाइन बिछाने को लेकर विवाद हुआ था। पीड़ित महिला और जेठ ने मिलकर 3 दबंगों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी। 3 से 4 दबंग पुरुषों का महिला से मारपीट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सर, अगौता थाना क्षेत्र के गाँव में एक महिला पर फावड़े से वार किया जा रहा है, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। सर, क्या है पूरा मामला और सर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?
इसौदा थाना क्षेत्र अंतर्गत इनका पारिवारिक विवाद था। इनके देवर जेठ और इनके भतीजे जो इनके साथ मारपीट किए थे, इसमें उसी दिन अभियोग पंजीत कर लिया गया है और उनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। सर कितने लोग हैं जो किस वजह से, क्या मुख्य वजह रही है कि जो बुलंदशहर के अफजलपुर गांव में पशुओं के लिए चारा काट रही खेत में एक महिला को ब्लैक कोबरा ने डस लिया। महिला की अलीगढ़ हायर सेंटर जाते वक्त मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला ज्वार के खेत में चारा काट रही थी, इस दौरान महिला को सांप ने काट लिया। महिला को कोबरा के डसने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा, साथ ही कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने सांप को पकड़ा। मथुरा के एसएसपी अभिषेक यादव ने जन्माष्टमी के दिन बांके बिहारी मंदिर में हादसे के वक्त श्रद्धालुओं को बचाने के लिए छत से छलांग लगा दी थी। मथुरा एसएसपी अभिषेक यादव का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसएसपी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए श्रद्धालुओं और भक्तों को बचाने के लिए भगदड़ के बीच कूद पड़े, साथ ही भगदड़ में घुसकर श्रद्धालुओं और भक्तों को बाहर निकाला। नवनीत सिंह चहल ने बताया कि हादसे के समय एसएसपी और नगर आयुक्त अनुनय झा मंदिर में ही मौजूद थे। मैनपुरी के सरैया विद्युत सब स्टेशन पर एसएसओ का शव मिला है। शव के गले में रस्सी पड़ी थी। परिजनों का आरोप है कि एसएसओ की हत्या हुई है। दरअसल गांव में लाइट न आने के कारण जब ग्रामीण फीडर पर पहुंचे तो उन्होंने वहां एसएसओ को मृत अवस्था में पड़ा देखा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। आगरा में 15 अगस्त को हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि सरदीप कौर के यहां 15 अगस्त को लगभग 1 किलोग्राम ज्वेलरी और 2 लाख रुपए की नकदी की चोरी हुई थी। यह चोरी उस समय हुई जब शाम को सरदीप कौर फैमिली को लेकर रेस्टोरेंट गए थे। जब वापस आए तब उनके घर के ताले टूटे हुए थे। बुलंदशहर के थाना गुर्जर क्षेत्र के पास हनुमान टीला में कलयुग के बेटे ने अपनी मां को वजनदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। संपत्ति को लेकर बेटे ने अपनी मां की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। दरिंदे बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां का चेहरा कुचल कर शव को बिस्तर में बांधकर मंदिर के पास फेंक दिया। करीब 80 घंटे के बाद मंदिर के पास बुजुर्ग मां का शव पड़ा रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। आगरा पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जो पुलिस की मौजूदगी में से बाइक चोरी किया करता था। दरअसल ईश्वरी प्रसाद नाम का चोर कुछ समय पहले बाइक चोरी से जेल गया था। छूटने के बाद वो जब आगरा न्यायालय में तारीख के लिए आया उसी दिन न्यायालय परिसर से एक बाइक चोरी कर ले जाता था। हाल ही में एक बाइक चोरी हुई जिसकी पुलिस ने जाँच पड़ताल की तो जानकारी हुई चोर जो पहले बाइक चोरी करता था वो जिस दिन तारीख पर आता उसी दिन बाइक चोरी न्यायालय परिसर से होती। बस पुलिस ने उसको धर दबोचा। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि चोर ने अब तक आधा दर्जन से ज़्यादा बाइक चोरी की है। पिछले कुछ दिनों में दीवानी परिसर थाना न्यू आगरा से बाइक चोरी की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जिसके आधार पर श्रीमान एसपी सिटी महोदय के निर्देशन में स्पेशल टीम का गठन किया गया। इस टीम ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जिसका नाम है ईश्वरी पुत्र हरि सिंह। ये थाना क्षेत्र शमशाबाद का रहने वाला है। सीसीटीवी फुटेज में जब इसकी तस्दीक हुई और इसको गिरफ्तार किया गया तो इससे पूछताछ के आधार पर इसने बताया कि इसने दिनांक 17/8/2022 को दीवानी परिसर से एक मोटरसाइकिल चोरी की थी। आगरा में पुलिस ने एक अपहरण का कुछ घंटे में पर्दाफाश किया जो अपहरण की कहानी खुद अपहरणकर्ता ने रची थी। दरअसल आगरा पुलिस को सूचना मिली कि सचिन कुशवाहा का अपहरण हो गया और एक नंबर से परिजनों से 5 लाख की फिरौती मांगी गई। पुलिस घटना के बाद हरकत में आई। जिस नंबर से कॉल आया था उस नंबर तक पुलिस पहुंची। पुलिस सचिन कुशवाहा और उसके साथी गब्बर को पकड़ लिया। जब सचिन से पूछताछ हुई तो जानकारी मिली कि सचिन के परिजनों ने कुछ प्रॉपर्टी सील की है, इसका पैसे भी घर पर रखा है। बस यही वजह सचिन के अपहरण की कहानी बन गई। पुलिस ने दोनों आरोपी को जेल भेज दिया। सूचना प्राप्त हुई लगभग 3:30 बजे के आसपास कि सचिन कुशवाहा जो अपने घर से ससुराल जाने के लिए निकले थे उनका अपहरण कर लिया गया है और अपहरणकर्ताओं ने 5 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की है। उन्होंने बताया कि समय और लोकेशन हम बताएंगे, आप पैसे की व्यवस्था करके रखिए। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 318/22 अंतर्गत धारा 364A थाना न्यू आगरा में पंजीकृत किया गया और श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 3 टीमों का गठन किया गया ताकि कोई अनहोनी ना हो सके।
कुशवाहा शाखा जैसे सैनी मौर्य समाज के द्वारा भगवान लवकुश की शोभा यात्रा बुधवार को निकाली जाएगी, जिसका शुभारंभ 24 अगस्त को दोपहर 12 बजे संसदीय कार्य मंत्री और औद्योगिक विकास मंत्री के द्वारा किया जाएगा। ये जानकारी मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान रंजीत कुशवाहा ने दी। राघुन विश्वा मेरा नाम है। पूर्व मंडल संयोजक मंगलमय पांडे आगरा, पूर्व अध्यक्ष पुष्पयुगमंच आगरा। किस तरीके की कल दिनांक 24 अगस्त 2022 को कुशवाहा शाखा के मौर्य सैनी समाज के तत्वावधान में भाई रंजीत कुशवाहा जी के आयोजन में एक लवकुश शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो शोभा यात्रा नगला प्यारे गाँव से होते हुए सभी और गाँव में निकलते हुए उसी के खिरिए मोड़ पर इसका समापन होगा। जौनपुर जिले में जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी एसडीएम ने अपने अपने क्षेत्रों में फर्जी चिकित्सालयों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान मछलीशहर नगर में एसडीएम राजेश कुमार चौरसिया ने निजी अस्पताल पर छापेमारी करते हुए मानक के विपरीत संचालित हो रहे 2 अस्पताल और 1 अल्ट्रासाउंड सेंटर को सीज किया। एसडीएम ने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश आया था। इसी क्रम में डीएम के आदेश पर सभी एसडीएम अपने अपने क्षेत्र में कार्रवाई कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद और विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया था कि जो झोला छाप टाइप के डॉक्टर हैं, इनके पास कोई डिग्री या कोई ऐसा प्रपत्र दस्तावेज नहीं है, उन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे। उसी निर्देश के क्रम में कल सभी एसडीएम द्वारा आकस्मिक अपने अपने क्षेत्रों में चेकिंग की गई है और उसमें कुछ जगह एसडीएम ने अच्छी कार्रवाई भी की है। उसमें रिपोर्ट तलब की जा रही है और रिपोर्ट संकलित करने के बाद उसमें विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल हाँ वही मैंने बताया ना कि कुछ एसडीएम ने कार्रवाई की है तो उसकी रिपोर्ट उनसे। हरदोई के बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के मड़पई मजरा सिकंदरपुर में कल हुए छात्र के ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 2 भाइयों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार भी बरामद कर लिया। छात्र की हत्या उसके प्रेमिका के भाइयों ने प्रेम प्रसंग के कारण की थी। बहन के प्रेमी की हत्या करने के बाद दोनों अपनी बहन की हत्या करने की योजना बना रहे थे, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि 24 घंटे में ही ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने वाली टीम को 10,000 का इनाम दिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।